बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं सामिन। आजकल आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में एक कप्तानी का इशू तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन उसको एक इशू बनाकर रोजाना किसी न किसी फोरम पर, एक नहीं बल्कि बहुत से फोरम पर गुफ्तगू हो रही होती है। अब ये जितना बड़ा ये कोई मसला था या नहीं, बहरहाल एक तब्दीली आई है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की क्यादत के हवाले से। बाबर आजम कप्तान बन गए हैं और शाहीन शाफरीदी सबकदोश हो गए हैं। आपने हमें बड़े मैसेजेस भेजे तारिक कुरैशी साहब के तजियों के हवाले से और पसंद किया उनकी राय को, जो खेलों की प्रमोशन के हवाले से थी, क्रिकेट पर उनके जो तबसरे हैं उनको भी आपने बड़ी कदर की नजर से देखा, जिसके लिए आपको शुक्रगुजार हैं। आज हमने उन्हीं से रब्ता कायम किया है। तारिक कुरैशी साहब बीजी स्पोर्ट्स रह चुके हैं और हुकूमत पंजाब में एक बड़े नेक नाम सरकारी आला अफसर समझे जाते हैं, आजकल गुजरांवाला में है। इनसे बात करते हैं कि ये जो बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी में जो एक तबादला हुआ है, इसको ये किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जैसा कि आपने इंटरव्यू सुन लिया, जरा फरमाइएगा कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया और एक सीरीज पर जो कि बैन अवन खेली गई उसकी बुनियाद पर उसमें जो जीत नहीं सके शाहीन शाफरीदी, उन्हें सबकदोश कर दिया गया। जी देखें, मेरा ख्याल है ये जीत और हार ये तो एक अलग चीज है। मेरी एक पर्सनल ओपिनियन थी, जो शायद मैंने पहले भी इसका तस्करा किया था, कि जो इस तरह जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स हु आर नॉट बेसिकली ऑलराउंडर्स, इनका कप्तान होना एक काफी डिफिकल्ट डिसीजन होता है, क्योंकि इनका फास्ट बॉलर का आपको पता है इनकी जो है परफॉर्मेंस है वो इनके डिपेंड करती है इनकी उस फिटनेस पे। सेकेंडली जो इस वक्त जो स्विच किया वापस बाबर आजम को, तो बाबर आजम को जब आगे हटाया गया था उस वक्त शायद उसकी मेन रीजन ये थी कि वो डिसीजन मेकिंग उनकी थोड़ी सी स्लो थी और डिफेंसिव उनकी अप्रोच थी, जो कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में उस तरह उसको नहीं लिया जाता है। अगर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि अग्रेसिव जो है वाइट बॉल आपको पता है ज्यादा है, इवन रेड बॉल भी, जब तक आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दिलेरी के साथ नहीं खेलेंगे और सिर्फ मैच बचाने के लिए या डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे तो मुश्किल होगा, आप जीत नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने शायद उससे कोई लेसन भी लिया होगा प्रीवियस अपनी और अपनी गलतियां, जिसकी वजह से इनको रिप्लेस किया गया, शायद उसको भी वर्किंग की होगी। सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें नामी ग्रामीण क्रिकेटर है, अगर मिशन शुरू हो जाए तो फिर अब्दुल रजाक आए और फिर असद शफीक है, फिर जबकि मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज जो है ये पहले लाइन लाइट में थे फॉर ये सीजन इन क्रिकेट बोर्ड सेटअप। तो बताइए कि विदाउट चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स कितनी कारगर कारामत ये कारकर्दगी हो सकेगी इस सिलेक्शन कमेटी की? इसमें कौन लीड कर रहा है वो आई थिंक सेकेंडरी चीज है। अच्छी टीम अगर मिलकर सिलेक्ट करेंगे तो ये चीज मैटर नहीं करती कि बगैर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वो कर रही है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, उनका ये काम है, वो कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज सिलेक्शन इज गुड और वो रिजल्ट दे रही है तो उसमें मेरा ख्याल कोई काम नहीं। ये जो महकमा जाती स्पोर्ट्स है इसको खत्म करने का फैसला कितना दुरुस्त था, अब जो दोबारा जिसको बहाल किया जा रहा है ऐसा ऐसा, आप क्या समझते हैं इससे क्या बेहतरी होगी? मेरी जाती राय में ये जो महकमा जाती स्पोर्ट्स को खत्म किया गया ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर तमाम जो जिम्मेदारियां और फाइनेंशियल बर्डन है वो गवर्नमेंट के सर पे होगा, तो वो मेरा ख्याल है कि उस तरह परफॉर्मेंस जो है वो नहीं होगी और वो रिसोर्सेज उतने ज्यादा एलोकेशन नहीं हो पाएगी क्रिकेट के लिए या हॉकी के लिए या दीगर स्पोर्ट्स के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा था कि बर्डन उठाया हुआ था इन डिपार्टमेंट्स में और वो हर साल जो कंपेटिटिव भी था, प्रोफेशनलिज्म था प्लेयर्स में और उनको जॉब सिक्योरिटी थी। ये आजकल मॉडर्न जो स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट भी और बाकी स्पोर्ट्स भी, ये इसमें प्रोफेशनलिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक प्लेयर को ये श्योरिटी नहीं होगी कि उसका किचन रन करेगा, उसकी जरूरत पूरी होगी, तो वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो क्रिकेट है, ये जो स्पोर्ट्स है, इसकी क्या अहमियत रही है और ये क्या बात है कि क्रिकेट बोर्ड जो उससे ये काम करना शुरू कर दिया है? क्या आप समझते हैं कि जो इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, ये जो HED है, ये बिल्कुल ही वसाइल की कमी का शिकार हो चुके हैं, गैर फाल हो गए हैं स्पोर्ट्स के इनकार के हवाले से? देखें, अगर कहीं भी आपने कोई भी अपने स्पोर्ट्स डेवलप करनी है तो जो एज होती है बच्चे की वो अर्ली टीन एजेस होती है, वहां पे वो एक स्पोर्ट्स की लाइकिंग भी उसमें डेवलप होती है, ये भी पता चलता है उसे कि उसने किस साइड पर जाना है
और वही टाइम सीखने का भी होता है और वही पढ़ने का भी होता है। सो अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर हम स्पोर्ट्स को रिवाइव नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल एरिना पे हम कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल न सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी सारी स्पोर्ट्स भी बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से इसको स्कूल्स लेवल पे, कॉलेजेस पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल्स पे इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनको रिवाइव करना बहुत ही जरूरी है अगर हमने अपनी स्पोर्ट्स क्रिया बेहतर करनी है। तो क्वेश्चन साहब, मैं ये देख रहा था कि क्रिकेट बोर्ड ने वो ऐलान कर दिया है कि वो बड़े हजार हा मैच करवाएंगे क्लब के, स्कूल के और यूनिवर्सिटी क्रिकेट के। मैं खुद से समझता हूँ कि ये अंदर से वो जो डीपीए होते हैं या जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते हैं या जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं उनको दिलचस्पी लेनी चाहिए, मुकामी सतह पर कन्वर्ज नहीं कर देना चाहिए उसको हेडक्वार्टर जो पीसीबी का उसकी तरफ। बहरहाल ये इनका फैसला, इस बारे में आपसे मजीद भी बात होगी, लेकिन जरा इसी बात को जरा आगे बढ़ के मुझे बताएं कि जमाना था जब पाकिस्तान इंग्लिश की टीम बाहर जाया करती थी, यानी यंगस्टर्स की टीम बाहर जाया बाहर से मतलब इंग्लैंड जाया करती थी। क्या वजह है कि हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इवन वेस्ट इंडीज, यहाँ जूनियर्स के दौरे कम कर दिए और इन ममालिक में ज्यादा जा रहे हैं जो बांग्लादेश है या श्रीलंका टाइप किस्म के मुल्क है? आपने जो क्रिकेट की बात की है खासतौर पर, अभी तो मेरा ख्याल है कि ये जो लेस देन इंटरनेशनल क्रिकेट जो छोटी टीमें हैं उनको रेगुलर बाहर का एक्सपोजर मिलना जरूरी है। और एक्सपोजर सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया तो चूंकि आपको पता है कि वहां पे तो टीमें नहीं आती जाती पाकिस्तान से, लेकिन बाकी जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर भी और इवन यूएई भी, तो विदेश से एक तरह की है। अब यहाँ से आप जब इंग्लैंड में जाएंगे और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वगैरह और इवन कैरेबियन में, तो वहां पे विकेट थोड़ी डिफरेंट होती है। इन 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 प्लेयर्स का, जो जूनियर प्लेयर्स हैं, इनको उन विकेट्स का भी एक्सपोजर होना जरूरी है। वहां पे आपको पता है कि बैक फुट जो है वो ज्यादा समझा जाता है कि जो बैक फुट के प्लेयर्स हैं वो ज्यादा बेहतर खेलते हैं क्योंकि बॉल का बाउंस ज्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा ऊपर का मुकाम लेना है तो उसमें आपको ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में बल्कि यहाँ पे भी, जो भारत के जो दूसरे कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत से विकेट्स हैं, वहाँ पे भी आपका जाना जरूरी है और यंग टीम्स को रेगुलर वहाँ के विजिट करवाने जरूरी है। अच्छा जनाब, आखिरी सवाल ये है कि हम क्यों 12-13 टेस्ट में खेल रहे हैं, हम क्यों 2-3 खेल रहे हैं क्रिकेट में, अंदर एंडल मान लो कैलेंडर्स में 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वेयर एज इंक्लूडिंग इंडिया एंड सम बांग्लादेश एंड श्रीलंका ये हमसे डबल ट्रबल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एक तो इस वक्त जो है वो T20 वाइट बॉल क्रिकेट जो है उसको कमर्शियली ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी और प्लेयर्स को भी थोड़े वक्त में ज्यादा पैसा उसमें आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बोर्ड्स का काम है कि वो किस तरह उन्होंने प्लान करना है। अब जो व्हाइट बॉल की जो क्रिकेटर्स हैं वो टेक्निकली उस तरह की उनमें एक्सपर्टीज और साउंडनेस आ ही नहीं सकती जो कि रेड बॉल क्रिकेटर्स में, वहां पे आपका पेशेंस का, आपकी क्लास और आपकी टेक्निक हर चीज का टेस्ट होता है, आपका स्टेमिना का भी टेस्ट होता है। तो रेड बॉल जो क्रिकेट है इसमें जो टेस्ट क्रिकेट है और वो भी अच्छे जो टॉप रैंकिंग नेशंस हैं उनके साथ टेस्ट क्रिकेट, ये बहुत जरूरी है, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खिलाएं। अगर वो रेड बॉल क्रिकेट फोर डे नहीं खेलेंगे और सीधा जाके T20 से सीधा जाके फिर टेस्ट मैच खेलेंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं आए। सो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी इस तरह की बोर्ड को बनानी चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए और जो डोमेस्टिक सीजन है उसमें रेड बॉल क्रिकेट पे आपके तमाम जो मेन प्लेयर्स हैं उनको लाजमी खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक कुरैशी साहब, ये थे जनाब तारिक कुरैशी। हमें अगर हम हॉकी, हम सबके दिलों के बड़े करीब है और हम हर वक्त सोचते रहते हैं कि हॉकी में कुछ भी नहीं हो रहा या हो रहा है। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि शायद हॉकी बहुत ही पीछे चली गई है, ये किसी हद तक दुरुस्त है, किसी हद तक दुरुस्त नहीं भी है, क्योंकि कुछ निजी सतह पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है जिसकी वजह से हमारी हॉकी जो है वो चल रही है। ख्वाजा जुनेद ओलंपियन है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुके हैं, हेड कोच भी रह चुके हैं, इनकी जो अकेडमी है ख्वाजा जुनेद अकेडमी वो बड़ी मुतहरिक है और वो एक सतह से ऊपर की सतह की सतह का काम कर रही है। इसमें उन्होंने डिफरेंट MOUs भी साइन किए हैं बड़े बड़े इदारों के साथ फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द हॉकी,
और जो लाहौर है वो इनका आप कह सकते हैं हब है, यहाँ पर जाहिर है इनकी एक्टिविटी होती है गद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल हॉकी स्टेडियम के साथ मतलब जो ग्राउंड है उसमें। हम इनसे पूछते हैं कि आजकल इनकी क्या सरगर्मियां। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। खैर साहब ये फरमाइए कि आजकल आपकी जो अकेडमी है खालिद उमैद अकेडमी, उसकी बच्चों के हवाले से जो ट्रेनिंग है उसमें क्या कुछ हो रहा है एंड हाउ यू हंट द टैलेंट। राइट साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका इस इंटरेक्शन के लिए। राइट साहब रमजान का महीना चल रहा है और छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पास जो बच्चे हैं वो 3 साल की एज से लेके और 20 साल की उम्र तक बच्चे हैं और इनका डेली बेसिस के ऊपर इन टच रहना इम्पोर्टेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान को मद्देनजर रखते हुए हम इनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके इंटरेस्ट छोटे बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि आप जैसे जो दूरबीन लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं वो ऐसी चीजों पर नजर रखते हैं। तो हमारे पास राय साहब इतनी एबिलिटी मौजूद है इस कौम के अंदर के यू कांट इमेजिन। अब बच्चा ये सोचता होगा, उसके पेरेंट्स सोचते होंगे चलिए क्रिकेट में तो हमारे पास भी अब लोग हमें अप्रोच कर लेते हैं राय लेने के लिए, हॉकी में तो इदारों की टीमें भी अब मुश्किल से कुछ बनना शुरू हुई हैं। तो जब आप बच्चों को लेकर आते हैं तो उनके वालदैन किस माइंडसेट के साथ आते हैं और आप उनको क्या कन्विंस करते हैं कि देयर इज अ फ्यूचर फॉर हॉकी। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। देखें हॉकी इज अ नेशनल स्पोर्ट एंड देन ये जो पाकिस्तान की कोई लेगेसी है आफ्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट इज हॉकी, ठीक है। और मैं दूसरी चीज बताता हूँ, जो मेरी इंडिविजुअल मेरी जो पर्सनल अपनी एक पहचान है वो हॉकी है। हमारे यहाँ जितने सेलिब्रिटीज हैं अचीवर्स हैं यू नो दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर एंजॉयिंग देयर पोर्टफोलियोज बट दे आर नॉट रिटर्निंग टू देयर प्रोफेशन। तो हमारी हॉकी का कलमी है कि हमारे जितने जितने बड़े अचीवर्स हैं मैं समझता हूँ उनको अपने अपने इलाकों में अकेडमीज बनानी चाहिए थी, टैलेंट को आइडेंटिफाई करके नेशनल गेम को सपोर्ट करनी चाहिए थी जो अब तक नहीं हुआ। हॉकी चले को इतना टाइम टेकिंग खेल नहीं है लेकिन स्टिल यू रिक्वायर्ड हॉकी एंड यू नीड टू हैव गुड शूज एंड अदर प्रोटेक्टेड गियर्स टू प्ले दिस गेम। बिसाइड यू नीड टू बी इफ यू आर यंग आपको सर्टेन डाइट लेवल मेंटेन करने हैं। अभी वो पहले वाले मिलिट्री मॉडल तो खत्म हो गया ना, वो हॉकी में आप आए खेलना शुरू कर दिया तो वो कैसे मीट करते हैं आप? ऐसा वेरी गुड क्वेश्चन। देखे इस वक्त जो हॉकी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम ऑन द प्लेनेट, ठीक है। ऐसे टर्फ 20-25 करोड़ की आजकल आती है, फिर वो जगह चाहिए, नो डाउट जो हमारी नॉर्मल सी हॉकी है वो 5,000 से प्लस हो के 20,000 रुपए तक है, शूज जो है 15,000 से लेके 50,000 रुपए तक है, फिर आपकी किट है, फिर नो डाउट आपके बच्चों की एक डाइट है। तो ये एक अगर चीज देखी जाए तो ये बियॉन्ड लिमिट्स है। अच्छा हम लोग अल्लाह पाक की रहमत से हमारे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, मैं जरूर अगर नाम ना लूं इसमें हमारे लिए मलिक जाहिद साहब है जो मलिक का ब्रांड है उसके ओनर है, वो हमारे लिए बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते हैं हमें और इसी तरह हमने किसी और को भी कभी रिक्वेस्ट की है दे आर ऑनरिंग अस। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट जो चीज हमें खरीदनी पड़ती है बच्चों के लिए वो हम अल्लाह पाक की रहमत से अपना फ्रेंड एंड फैमिली में पूल करके तो उसको भी अचीव करते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज से 1.5-2 बरस पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर कप नेशनल हॉकी चैंपियनशिप वो कमाल इवेंट था, वो 7,500 के करीब या 7,750 नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर, उसमें वो टीमें थी पूरे पाकिस्तान की, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया वो हुआ, उसके बाद वो भी इस 7 बरस नहीं हुआ, ये पिछले बरस भी नहीं हुआ, फिर पिछले बरस आपके रमजान लीग में भी बहुत शानदार अच्छे प्राइजेस दिए गए वो भी इस बरस नहीं हुई, पैचेस में चीजें राजधानी पंजाब में अभी अच्छी एफर्ट हुई वो जो हॉकी का इवेंट हुआ है। तो ये जो बड़े बड़े इवेंट अच्छे हो रहे हैं इनमें तसलसल क्यों 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 नहीं है? वहां रियाज आए उन्होंने किया वो चले गए, अब नए मिस्टर साहब आएंगे वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे दैट मेंट टू बी सीन। इस पर जरा एम्फसाइज कीजिए कि कंसिस्टेंसी फॉर सर्टेन नेशनल और प्रोविंशियल लेवल इवेंट्स। किसी भी खेल को प्रोमोट करना है तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है दैट इज कॉन्टिन्यूटी। अगर आपका उसमें सस्टेनेबल मॉडल नहीं है और उसका कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव या आपका नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान नहीं है तो वो जो एक्टिविटी वन टाइम होती है ना वो उल्टा नुकसान करती है।
उससे फायदा नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो चीजें देखें जो आज से 3 साल पहले हुई है वो डिलीट हो चुकी होंगी। अच्छा, अगर ये कॉन्टिन्यूसली इसी तरह चल रही होती तो उसमें इदारों के नाम भी होते हैं, उसमें आपको नया टैलेंट भी मिलता है, गेम को फायदा भी होता है, आपकी जो इंटरनेशनल सॉफ्ट इमेज है वो बेहतर होता है। ये वो चीजें मैं समझता हूँ कि जो आपने बड़े बड़े इदारों के नाम लिए हैं ऐसे इवेंट्स में इनको आना नहीं चाहिए। अगर आते हैं तो फिर पूरे एक स्कीम के तहत आना चाहिए, वन टाइम ऑप्शन के साथ नहीं आना चाहिए। कमिंग बैक टू ख्वाजा जुनैद एकेडमी, ये जो बच्चे हैं, ये आपने मुझे उसकी तादाद के बारे में बताया कि अराउंड 400, ये एक अच्छी खासी तादाद है। तो आप बताइए कि टैलेंट आपने देख लिया है, क्या उनमें हम जो हमारे पास टैलेंट हैं उनका कोई उनकी कोई झलक देख रहे हैं? अच्छा, हमने इसी तरह वादर रोड पे बच्चे थे जो गलियों में फिर रहे थे, वो आपको पता है वो बंटे खेलते हैं, वी वेंट टू देम एंड वी आस्क्ड देम कि जी आओ आप हॉकी खेलेंगे, तो वो हम बड़े वी आर ऑनर्ड के हमें पीएचएन ने ग्राउंड दे दी लामा इकबाल टाउन में, तो वहां पे हमने हॉकी शुरू कर दी 2-3 साल पहले, तो ये बच्चे भी वहां आ गए। आज वो दोनों बच्चे एशियन कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ टैलेंट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100% स्कॉलरशिप पे वो दोनों बच्चे ट्रायल दिए, ट्रायल पे सिलेक्ट हुए और वो दोनों इस में पढ़ रहे हैं। देखिए बहुत जो बच्चे जो आपने कहा गलियों में खेल रहे हैं, जो जुबिनाइल्स डिलिक्वेंट्स हैं, खताकार हैं, हो सकते हैं बड़े रस्ों में जा सकते हैं, आपने लोग एक कॉलेज भिजवा दिया और दैट इज अ वंडरफुल थिंग। ये एक मिसाल है। आखिर में बता दीजिए कि जो बच्चे सोशल मीडिया पर या रेडियो पाकिस्तान का जो पॉपुलर हमारा मीडियम है इस पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपकी आवाज सुन रहे हैं, How they can approach you if they want to be part of Khwaja Junaid Hockey Academy? जी राज साहब, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बात की अपॉर्चुनिटी की, तो हमारी अकेडमी इज अ प्लेस जो हर किसी के लिए ओपन है। हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं और जो लोग रेगुलर आते हैं हम उनको साथ में इक्विपमेंट भी देते हैं, उनको गियर्स भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए ये हमारी अकेडमी है और हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद में हमने बना लिया, हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी शहरों में अपने रसाई हासिल करें लिमिट्स को देखते हुए। तो ये बिल्कुल ये कजाफी स्टेडियम में पिच नंबर 2 पे जो हॉकी ग्राउंड है वहां पर हमारी एकेडमी है और हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ये 5 दिन वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो बिल्कुल जो बच्चा भी आना चाहे आए, हमें ज्वाइन करे और इस खूबसूरत खेल का हिस्सा बने। यानी नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर यानी पिच नंबर 2 जो है वहां पर एट व्हाट टाइम दे कैन कम एंड होम दे हैव टू अप्रोच वहां पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। वहां पर हमारे साथ हबीबुल्लाह हमारे कोच हैं, इज ऑलवेज देयर, और इसी तरह हमारे सीईओ है जुनेद चट्ठा, वो अवेलेबल होते हैं और मैं खुद भी अवेलेबल होता हूँ। तो जो बच्चा भी इस अकेडमी के ज्वाइन करना चाहे तो वो आए, और जैसे मैं अभी मेंशन कर देता हूँ कि 1:30 1:00 फ्राइडे 1:00 एंड देन यू नो सैटरडे 3:00 संडे 1-6:00 और मंडे 1-3। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा जुनैद साहब। जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब ख्वाजा जुनैद। सामने क्रम जो रेडियो पाकिस्तान है या अमूमी तौर पे अब रेडियो है, इसकी जो क्रिकेट कमेंट्री है उसकी एक अपनी ही बात है। जहां तक हम रेडियो पाकिस्तान का जिक्र करें तो ये तो 50s में 50 की दहाई में कमेंट्री शुरू हो गई थी। वो लोग जो इसकी बुनियाद रखने वाले थे उनकी अगर बात की जाए वो फिर बात इधर उधर हो जाएगी, लेकिन आज हम बात क्रिकेट कमेंट्री करेंगे और एक ऐसे हाजिर के जो बड़े कामयाब क्रिकेट कमेंटेटर है उनसे बात करेंगे। आप सब लोग जो रेडियो सुनते हैं या टेलीविजन देखते हैं वो सिकंदर बख्श साहब के नाम से वाकिफ होंगे। सिकंदर बख्श साहब के वालिद ग्रामी मोहम्मद नकी साहब भी रेडियो का एक हाउसहोल्ड नेम है और लोग उनको सुनते थे और उनकी तारीफें करते थे। उनकी जो खिदमत है उसका तस्करा अलहदा से और तवील हो सकता है, वो किसी और प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन इस वक्त हमने रब्ता किया है सिकंदर बख्श साहब से। सिकंदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ शो में हिस्सा बनाने का। आप तो लाहौर आए हुए थे, हम भी आपके साथ टीवी पर कमेंट्री कर रहे थे, रेडियो पर भी की है। जरा बताइए कि आप बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज है आपकी, किसी से मिलती नहीं है, तो ये कमेंट्री की तरफ आना क्रिकेट खेलने की वजह से हुआ या फैमिली में ब्रॉडकास्टिंग थी इसलिए आप आए?
ये थोड़ा दोनों का इसमें जो है कह सकते हैं दखल है। क्रिकेट से वह हमेशा शौक था, क्रिकेट खेली भी है, यहाँ पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी और यूएई में भी, तो क्रिकेट से तो लगाव था ही। ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं हाँ, क्योंकि घर में वालदा वालिद दोनों ब्रॉडकास्टिंग में थे। मैं सच पैशन तो नहीं था कि ब्रॉडकास्टिंग में आना है, लेकिन शायद एक आध बार वालिद साहब के साथ जो लोग काम करते हैं उन्होंने आवाज सुनी फोन पे और वो गलती समझे कि मैं शायद मोहम्मद रफी बोल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कुछ ट्राई क्यों नहीं करते। तो स्कूल के टाइम का जिक्र है ये कि पार्ट टाइम ऐसे ही बोलते थे कि आके एक आध कोई शो करो, तो मैं शो किया, वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर रेडियो पाकिस्तान कम किया था, एफ एम 100 से आगाज किया और फिर वो फिर चलता ही गया सिलसिला। ये बताइए कि जब आप कमेंट्री आपने शुरू की तो फिर ये किस वक्त आपको एहसास हुआ कि आप इसको एज ए करियर अडॉप्ट कर सकते हैं? जब पैसे आना शुरू हो गए सोचा कि इसको करियर बना सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर थोड़ा संजीदा बात करें तो जब मैंने शुरू किया था तो मैंने ज्यादा पाकिस्तान में जब एफएम का पहला चैनल लॉन्च हुआ तो उसको बड़ा ही शानदार तरीके से एक्सेप्ट किया गया और लोग बड़े जो है हैरान हुए कि इतनी अच्छी क्वालिटी में म्यूजिक भी सुन रहे हैं, मालूमाती प्रोग्राम भी हैं और ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज होके आया सामने। वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैं इंग्लैंड में रेडियो किया, फिर वहां से बात निकली, किसी ने मुझे इनवाइट किया कि आप यूएई में आए और दुबई में हमारा रेडियो लॉन्च करें, तो फिर वहां चला गया मैं। उसके बाद आज अगर बोलेंगे तो वो एक किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज कहां पहुंच गया है एफएम रेडियो पाकिस्तान में या उसके अलावा। जो आपने आवाजें सुनी क्रिकेट कमेंट्री में, खाम अंग्रेजी में थी खाम उर्दू में थी, आपको किसने ज्यादा इंसाइट किया, इंप्रेस किया? हाँ, पाकिस्तान में या कहीं भी? आप पाकिस्तान के भी नाम ले लें, बाहर के ममालिक के जो कमेंटेटर्स हैं उनके नाम भी ले। मैं कह सकता हूँ कि मैं जब बड़ा हो रहा था और मैं जब इस फील्ड में आ रहा था तो उस पर चिश्ती मुजाहिद साहब थे और इफ्तिखार अहमद साहब थे अंग्रेजी कमेंट्री में, हसन जलील साहब थे उनको सुनते थे, वो उर्दू कमेंट्री में थे, तो काफी, बल्कि मैं तो मुझे नाम सही तरह याद नहीं, मैं हॉकी कमेंट्री बड़ी सुनता था उस टाइम पे, हॉकी बड़ी पीक पे था, पाकिस्तान हॉलैंड के मैचेस हुआ करते थे यहाँ पे, बोबलैंडर और ये सब आते थे और शहबाज होते थे, तो बड़ा ही एक फैसिनेटिंग सी चीज होती थी सुनना, क्योंकि रेडियो की खास चीज ये मुझे लगती थी कि इसमें आप पूरा माहौल, एम्बियंस और जो कुछ भी दिख रहा है कमेंटेटर को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं और एक एक तस्वीर खींच रहे हैं अपने अपने आवाज से, अपने जुमलों से। मैं आज भी ये मानता हूँ कि रेडियो की जो रीच है आम रोजमर्रा की जिंदगी में, आपको ठहरना नहीं पड़ता कहीं, रेडियो आपके साथ साथ चलता रहता है, गाड़ी में हो, काम पर हो, दुकान पर हो, बनिस्बत टीवी के जिसमें आपको जुड़ना पड़ता है, एक जगह बैठना पड़ता है। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चीजें बदलनी चाहिए और बदल भी रही है और बदल चुकी है। एक वो दौर था जब मैंने शुरू की, फिर एक दौर वो होगा जब आपने शुरू की। मैंने भी आपसे कहा 8-10 बरस पहले शुरू कर दी थी, लेकिन जो मैं रजिस्टर्ड हुआ वो पूरा टेस्ट मैच मिला वो 95-96 की सीरीज थी अगेंस्ट श्रीलंका, बड़ा मुश्किल काम लगता था उस वक्त और डरा दिया जाता था कि नहीं अभी आप ये एक एक दो दो ओवर करें, एक एक दो दो चंक करें, 5 ओवर के आधे घंटे के, फिर सीरीज चली जाती थी, फिर आता तो लगता था बड़ा लंबा वक्त था। और जब मैंने बाद में मालूम किया तो मुझे ये बताया गया कि ये जो जिन बड़े कमेंटेटर का आपने जिक्र किया ये भी इसी मरहले से गुजरे थे, लेकिन अब चीजों का ख्याल जरा इस तरह कम रखा जाता है। एक तो बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत भी है, क्वालिटी थोड़ी सफर कर गई है, आप बदली करेंगे? देखिए, रेडियो को एज अ होल लें और आपने जिस टाइम की बात की रेडियो पाकिस्तान में, स्टेट रेडियो में, तो नामुमकिन था आपका उसमें जुड़ना। अगर आपकी जुबान साफ नहीं है, तलफ्फुज़ सही नहीं है, आप ऐसे ही जाके नहीं बैठ सकते थे और बहुत इस चीज का ख्याल किया जाता था कि आपकी जो जबान भी आप बोल रहे हैं, चाहे वो उर्दू बोल रहे हैं या इलाकाई जबान बोल रहे हैं, अगर आपको उस पर सही उबूर हासिल नहीं है, तलफ्फुज़ आपका सही नहीं है, तो आपको कभी भी चांस नहीं मिलेगा। इसका मैं आइडिया आपको आज की क्रिकेट से लगा देता हूँ। T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट ने ऐसा कर दिया है फास्ट ट्रैक हर चीज को कि आप पाकिस्तान खेल जाते हैं। उसी तरह से रेडियो में भी यही हुआ है कि आज की तारीख में FM रेडियोज ने और इन चीजों ने दरवाजे सबके लिए खोले, तो अब बैक सीट ले गई है कहीं वो चीज कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है या आपकी जुबान पे कितना आपको अबूर हासिल है या आपकी आवाज कितनी है, अलग अलग चीजों को प्रेफरेंस दी जाती है, आपकी अचीवमेंट्स को, आपके चेहरे को, आपके नाम को जो है वो पहले तरजीह देते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को देखा जाता है, क्योंकि लोगों को अब नामों के साथ जुड़ना है बजाय इसके कि पहले ब्रॉडकास्टर जो है वो आवाज से पहचाने जाते थे, अक्सर
ऐसा होता था कि आप जो आपके फैन होंगे वो आपकी आवाज सुन के और आपको जब मिलेंगे तो कहेंगे अरे अच्छा आप हैं, हमने तो सोचा था कोई बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी होगा कोई, क्योंकि आवाज तो लोग मैं बड़ा हैरान होता था कि कहीं आप खड़े हैं किसी महफिल में और किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि यार आपकी आवाज सुनी भी लग रही है, तो लोग आवाजों को पहचानते थे, आज नामों को पहचानते। अच्छा अगर हम वैसे मुकाबला कर लें उस दौर के लोगों का, उनकी शख्सियतों का, उनकी उनके उनकी उनकी क्वालिटी का और उनकी कंट्रीब्यूशन का भी, अगर तो वो मुझे लगा कि वो लोग जो जो हम जिक्र कर रहे हैं जो वन ऑफ द पॉइंटिंग फिगर थे ब्रॉडकास्टिंग में, वो शायद आगे निकल जाएंगे, काफी आगे निकल जाएंगे। उनका जुबान का जो नॉलेज था वो भी बड़ा वसी था, फिर वो जो बात करते थे कभी ऐसे लगता नहीं था कि ये गलत साबित हो रही है, फिर वो इधर उधर की बातें भी मेरा कम करते थे, वो टू दी पॉइंट रहते थे, बहुत बहुत कॉमेडी अगर टेलीविजन पर रेडियो पर हो रही है, अगर टीवी पर हो रही है वो भी ज़्यादा कोई बात की बात है, उसमें जो आपने कहा है कि वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। आखिर में ये बताइए कि ये जो अब पंजाबी कॉमेंट्री शुरू हुई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ये बहुत ही बड़ा वेलकम चेंज है, एक फ्रेश चेंज है, और पंजाबी जबान एक ऐसी जबान है जो कि जो नहीं भी बोलता ना पंजाबी वो भी समझता है। इसका अंदाजा आप लगाएं कि फिल्मों के गाने भी लोग पसंद करते हैं, आजकल तो पंजाबी गाने ज्यादातर हैं, हर फिल्म में एक पंजाबी गाना होता है और आम जो पंजाबी नहीं भी बोलता वो भी समझता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं जो गाते हैं। पंजाबी जबान आपको मेरी नजर में कॉमेंट्री में थोड़ी सा फ्रीडम और देती है, छूट देती है, जिसमें तंजो मजा भी आ जाता है, जिसमें आप टेक्निकल बात भी कर लेते हैं। पता नहीं क्यों, मैं पंजाबी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है रीजनल, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि पंजाबी में थोड़ा आप और खुल के आते हैं सामने, तो मुझे तो बहुत मजा आया। मैं जितना भी इसको सुनता हूँ और जितना सुना मैंने इस टूर्नामेंट में, मैं तो कहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये लैंडमार्क इवेंट था जहाँ पंजाबी कॉमेंट्री की शायद इसको और भी ज्यादा उठाया जा सकता था लोगों को बताने के लिहाज से कि जी ये एक ऐसी चीज होने जा रही है, ताकि कल को जब कोई और स्टार्ट करे तो आपको पता हो कि जी पायनियर आप थे कि आपने इसको चांस दिया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम हमेशा ये चीजें, हम ऐसा नहीं है कि मैं और आप कोई अपने कुल है, हमने सोच लिया, किसी ने सोचा ही नहीं, सोचते सब है, असल वो होता है जो कर गुजरता है। और दादा मुझसे तो पूछा गया कि आप राजी है या नहीं है, तो मैंने कहा जी मैं करूंगा, मैं पंजाबी नजाद मैं कर लूंगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, तो बस जो कर गुजरते हैं उनका नाम लिख दिया जाता है जी। अब आप पहले हो गए पाकिस्तान में जिन्होंने पंजाबी में टेलीविजन पे भी पंजाबी कमेंट्री कर दी क्रिकेट की, और जब भी कभी जिक्र होगा इस चीज का तो मैं तो याद दिलाऊंगा कि जी पहले शख्स थे, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े स्केल पे अगर कोई करेगा तो बोलेगा कि पहली बार यहाँ हो रहा है। ये थे मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर सिकंदर बख्त नकी, इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। सामने कराम आपका बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी तादाद में हमें पैगाम भेजते हैं कि हमारे जो सिलसिले हैं प्रोग्रामों के और जो हमारे माहरीन हैं उनकी गुफ्तगु और प्रोडक्शन का अंदाज भी आपको पसंद आता है, और फिर आप हमें फरमाइश करते हैं कि फलां क्रिकेटर से, फलां खिलाड़ी से, फलां मुंतजम से या फलां कमेंटेटर से भी हमारी गुफ्तगु करवा दें। आज हमने सिकंदर बख्श साहब की गुफ्तगु आपके लिए पेश की, और आपने इससे पहले तारिक कुरैशी साहब के तज्जियों को भी मेयारी, मालूमाती और दिलचस्प करार दिया। कोशिश करते रहेंगे कि आपके मेयार पर पूरा उतरते रहें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के मंसूबे आला थे जनाब हिफ्जुर रहमान।